दादे चमकाने वाले। चार मिनट रह गए, मैंने जो वादा किया उसके मुताबिक इंशाल्लाह 10 बजे अपनी हाजिरी पूरी करूंगा। अब आला हजरत हमें ताजीर का अकीदा देते हैं। अतर हाथुरी बड़ा मशहूर शायर था, आपके पास आया और कहा कि मैंने एक नात लिखी है, जरा सुनात फरमाएंगे। आपने फरमाया सुनाओ। उसने शेर पढ़ा, वो शेर ऐसा था कि रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो खजूर के दरख्त थे, उन खजूर के दरख्तों को रोजे रसूल के साथ नस्बत देते हुए उन्होंने शेर लिखा। शेर कैसा था? शेर जरा तवज्जो फरमाना, बक्सा आ गया है। अब मदीने वाले कि जिन पे नजरे करम हो जाए, हर एक के दिल के अंदर तड़प है अल्लाह के महबूब सरसल के दर अक्दस की हाजिरी नसीब हो, और अल्लाह करीम से दुआ है, ऐ मौलाए करीम अपने महबूब के मिलाद का सदका, अपने महबूब के प्यारे आशिकों का सदका, जितने हाजिर हैं जितने मौजूद हैं सबको अपने महबूब के दर अक्दस की हाजिरी में अंदर नसीब हो। वहां पे पैसों का दौलत का मसला नहीं होता, वहां जब नजरे करम हो जाए इंतजाम भी हो जाता है। इसलिए अल्लाह से दुआ है, अल्लाह करीम अपने महबूब के प्यारे प्यारे चेहरे अक्दस का सदका। अदर हापुड़ी क्या कहती है? ये दरख्त कब हैं खड़े हजरत वाला के सामने, ये दरख्त कब हैं खड़े हजरत वाला के सामने, ये मजनू हैं खड़े कमल लैला के सामने। आला हजरत श्याम रज़ा अमरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी रबे इश्क मोहब्बत भड़क उठी, फरमाया हापुड़ी इस दूसरे हिस्से को बदल दे, कहां मजनू कहां है मैं लैला, तुझे क्या पता मेरे आका का मकाम क्या है। फरमाया इस तरह पढ़ो, ये दरख्त कब है खड़े हजरत वाला के सामने, ये कुदसी है खड़े अर्श वाला के सामने। अब आखिरी बात अर्ज करके खत्म करूंगा। आखिरी बात, सुलहा का बड़ा दर्जा है, शहादा का बड़ा दर्जा है, वलियों के बड़े दर्जे हैं, कुतुब के बड़े दर्जे हैं, और जहां पे इन सब के दर्जों की इंतहा होती है, मकाम की इंतहा होती है, वहां पे अंबिया की इब्तिदा होती है, जहां अंबिया के मकाम की इंतहा होती है वहां से रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है, जहां से रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहां से औलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है, जहां औलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहां मेरे तुम्हारे आका के मकाम की इब्तिदा होती है। आला हज़रत शाह अहमद रज़ा अमरेली रहमतुल्लाह अलैह यही हमें अकीदा दिया है, और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की सलाह करने वाले सलाह करते रहे और दुनिया से चले गए, और अल्लाह के महबूब के चर्चे इसी तरह चलते रहेंगे। कोई कोशिश लखू कहा करते रहे लेकिन नहीं मिट गए हैं, मिटते हैं, मिट जाएंगे आता तेरे, न मिटा है न कभी मिटेगा चर्चा तेरा। बात अल्फुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर, वमा अलैना इल्ला बलाग। मैंने अपने टाइम की पाबंदी के साथ